हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑप्शन ए 4.8, ऑप्शन बी 8.4, ऑप्शन सी 3.0 एंड ऑप्शन डी 8.0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होता है, इट इज अ मेजर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, इंडिकेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पर आई विल एक्सप्लेन द आंसर नाउ। तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकॉम्पोजिशन हो रही है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या शो करेंगे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब है वी कैन से कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो इसका मतलब है के 1 मोल जो है ऑक्सीजन का दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। अब क्योंकि यहां पर 2 मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, वो क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट विल प्रोड्यूस 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइज 22.4 liters, then 0.5 moles of oxygen will occupy कितने liters? तो यहां पर 0.5 को मल्टीप्लाइड करेंगे 22.4 के साथ और वी गेट 11.2 liters। नाउ यहां पर अब जो नॉर्मेलिटी है दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 इक्विवेलेंट करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। क्योंकि हम इसका रीजन भी देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज वेलेंस ऑफ 2, तो इसके पास 2 वेलेंस है।
इसलिए देयर फोर वन नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितना प्रोड्यूस करेगा? 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो वी नीड टू रिलेट दिस टू अ यूनिट दैट एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गिवन दैट कि हमारे पास वन नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि प्रोड्यूस करता है 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर हमें नॉर्मैलिटी को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ में तो वी यूज द रिलेशनशिप। अब जो रिलेशनशिप है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्मैलिटी मल्टीप्लाइड बाय 5.6। तो हमारे पास गिवन क्या है, नॉर्मैलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो कितनी दी हुई है, 1.5 नॉर्मल। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी नॉर्मैलिटी विच इज 1.56, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 8.4। तो इसका मतलब है अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।